इससे पहले तुम लोगों ने देखा था जो एल के प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। साथ ही जो उसका एग्जाम था यानी ब्राउन्स का एग्जाम था वो आ जाता है। इसके साथ ही हमें उस एपिसोड में दिखाया जा रहा है एल के ओपोनेंट को जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा भयंकर है और उसके साथ ही ये किसी को भी मार सकता है। जो इसका मेंटेलिटी है ये बहुत अलग है, यानी तुम लोग इसको एक साइको भी बोल सकते हो। एल के लिए अच्छा बात नहीं था। वैसे अगर तुम लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो देख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें देखकर मजा भी आने वाला है तो इसलिए क्या कर रहे हो, हाँ तुम लोग जा सकते हो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर प्लेलिस्ट में भी तुम लोगों को वो एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना। तो इसके पहले वाले एपिसोड में सात सारे स्टूडेंट आ जाते हैं एक ऑडिटोरियम में जहाँ पर उन लोगों का एग्जाम होने वाला था। अगर कहा जाए तो इधर बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे अलग ही अकादमी से, फिर तुम लोग कह सकते हो बहुत सारे जगह से स्टूडेंट आए हुए थे। वैसे इसके बारे में वो लोग अपने टास्क देखते हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा इजी था, पाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसको पाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। उन लोगों का टास्क ये होता है यानी उन लोगों के आगे क्रिस्टल था, अंदर एक फ्लेम होता है। वैसे इसके साथ ही जो सारे स्टूडेंट है उनको एक एक करके उसके पास जाना होगा और उसके साथ ही अपना माना उस क्रिस्टल के अंदर देना होगा, अपने माना से इस क्रिस्टल को फिल करना होगा। अगर उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद वो लोग पास हो जाएंगे और इसको जानकर ही वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वैसे इसके बाद प्रोफेसर कहता है तो क्या तुम लोग रेडी हो चुके हो, तो उसको स्टार्ट किया जाए और उसके बाद वो हैशटैग नंबर वन बोलता है यानी सबसे पहले प्लेयर को बुलाया जाता है। वैसे इसके बाद हमें दिखा चले एक स्टूडेंट आगे आ जाता है और उसके बाद अपना माना इस क्रिस्टल के अंदर देने लग जाता है, यानी वो इस टास्क और इसके बाद वो अपना माना इस क्रिस्टल के अंदर देने लग जाता है जहाँ पर पहले वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि वो चाहता है ऑब्वियसली वो ही जीतने वाला है, यानी ये बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन इसके बाद जो वो ये काम करता है फिर अपना माना इस क्रिस्टल के अंदर डालता है तो उसके बाद उसे रियलाइज होता है जो एक काम था या फिर जो एक टास्क था ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। वो अपना सारा पावर लगा देता है लेकिन क्रिस्टल फेल होने का तो दूर की बात है, आधे तक नहीं आ पाता और ऐसे वो हार जाता है। इसके बाद एक और बंदा आता है जहाँ पर उसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, यानी जो उसका फेमिलर था ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। ऐसे शौक से आता है, स्टाइल मारता है और उसके बाद वो अपना टास्क कम्प्लीट करने का सोचता है लेकिन उसका भी पावर इधर कुछ भी नहीं होता, ट्राई तो बहुत ज्यादा करता है लेकिन इसके बाद भी वो भी फेल हो जाता है। इसको देखकर सब लोग समझ जाते हैं जो वो लोग सोच रहे थे ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है ऐसा बात ही नहीं था। तो देखकर एल भी कहता है शायद ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है और उसके बाद लिलिया कहती है नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बात नहीं है, यानी ये इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। और उसके बाद लिलिया चली जाती है अपने टास्क कम्प्लीट करने के लिए। साथ ही लिलिया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और वो कह रही होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है, ये लोग लिलिया को देख रहे होते हैं। वाले इसके बाद लिलिया अपने फेमिलर को बाहर लाती है और उसके बाद वो अपना माना क्रिस्टल के अंदर देने लग जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है लिलिया इसमें बहुत ज्यादा अच्छी करती है, यानी क्रिस्टल होता है ये आपके जैसा हो जाता है, यानी इसके अंदर एक फ्लेम था ही लेकिन जो ये फ्लेम था ये बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके कारण ये क्रिस्टल रेड हो जाता है और उसके साथ ही लिलिया अपने टास्क को कम्प्लीट कर देती है बहुत ज्यादा इजीली। इसको देखकर सब लोग इम्प्रेस होते हैं, साथ ही जो प्रोफेसर होता है वो कहने लग जाता है अब तक का सबसे अच्छा लिलिया ने ही किया है, ये बहुत ज्यादा अच्छा था। वाले इसके बारे में लिलिया स्टाइल मारती है और अपने दोस्तों के पास आकर इंजॉय करती है। इसके बाद भी एक एक करके स्टूडेंट जाने लग जाते हैं और उसके साथ ही में दिखा चले एक और स्टूडेंट को जहाँ पर उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन होता है, बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है। वाले इसके बाद वो अपना पावर दिखा देता है, यानी अपना माना क्रिस्टल के अंदर देता है जहाँ पर बहुत ज्यादा इजिली उसने भी ये टास्क कम्प्लीट कर लिया था और उसको देखकर भी सब लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। ये बंदा किसी अलग ही अकेडमी से आया था। खैर इसके बाद एल के दोस्त होते हैं वो लोग भी एक एक करके जाने लग जाते हैं और अपना माना टेस्ट करते हैं, यानी जो अपना माना होता है वो क्रिस्टल के अंदर देता है जहाँ पर सब लोग अच्छा करते हैं। लेकिन बंदा होता है, हाँ ये भी एल का एक दोस्त ही है लेकिन इसका नेम मुझे नहीं पता और तुम लोग तो इसको जानते होगे। वाले इसके बाद वो अपना माना इस क्रिस्टल के अंदर देता है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, यानी वो बहुत सारे ट्राई करता है लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसका सबसे वीक होता है माना। और इसको देखकर सब लोग जान लेते हैं जो इसका प्रैक्टिकल है ये तो गया, अचानक इसको कितने नंबर मिलने वाले हैं। वाले इसके बाद प्रोफेसर होता है वो कहने लग जाता है हाँ सब तो अच्छा ही है लेकिन ऑर्टिगा यानी जो एल का अकादमी है वो इस साल बहुत ज्यादा बुरा कर रही है, इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया क्योंकि स्टूडेंट इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं जो कि मैं अच्छे से देख सकता हूँ, यानी ये अच्छा बात नहीं है। ऐसे ही टाइम आ चले आखिर वाला यानी एल का रेडी हो जाता है और एल चला जाता है जहाँ पर इसको देखकर बंदा होता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ कर रहा होता है वो देखकर ही बोलता है एल के साथ एल ने अपने साथ अपने मॉम को लाया है। हाँ ये कोई अच्छा बात नहीं है, यानी ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जो कि अपने पेरेंट भी अपने चाइल्ड के साथ आ सकता है, स्कूल बड़ों के लिए है। और उसके साथ ही वो हंस रहा होता है यानी वो ऐसे शो ऑफ अभी कर रहा होता है। देखकर जो प्रोफेसर की सेक्रेटरी होती है वो भी देखकर बोलती है हाँ ये तो सही बात है, यानी एक स्टूडेंट के साथ कोई पेरेंट्स आगे नहीं जा सकता, उसको अपने से ही अपना काम करना होगा हो रहा है। और इसके बाद जो प्रोफेसर होता है वो कहता है नहीं इसमें कोई गलत नहीं है। और उसके बाद वो एल का जो पेपर होता है उसको देखकर जान लेता है फॉर्मल एल का फीमेलर है, एल के साथ फॉर्मल भी आगे जा सकती है, फॉर्मल अलाउ है। वाले इसके बाद
क्रिस्टल के पास आता है और उसके बाद वो उसे चेक करने लग जाता है और उसके बाद वो उसके चारों तरफ घूमता है, जहाँ पर इसको देखकर जो लिलिया होती है वो सोचने लग जाती है ना जाने एल क्या कर रहा है। जानी एल ऐसे भी माना यूज कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी एल क्या कर रहा है। वेल इसके बाद एल जगह में और आता है और उसके बाद एक बार एक जगह में और आता है और चेक करता है। ऐसे वो चेक कर रहा होता है जहाँ पर इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होता है वो लोग तो सोच ही नहीं पाते एल क्या कर रहा है, लेकिन जो प्रोफेसर होता है वो जान लेता है। क्रिस्टल है ये चारों तरफ से एक जैसा नहीं है, यानी अगर तुम राइट वे चुनोगे तो उसके बाद जो तुम्हारा माना है वो अच्छे से अंदर जाएगा, लेकिन अगर तुमने गलती कर दिया या फिर किसी और तरीके से डायरेक्शन से इसको करने का ट्राई किया तो उसके बाद ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बारे में एल जान रहा था, जो कि ये बहुत अच्छा बात है। उसके बाद एल प्रोफेसर के पास आता है और उसके बारे में कहता है क्या वो किसी और जगह से कर सकता है या फिर उसको आगे से करना होगा। प्रोफेसर कहता है ऐसा बात नहीं है, यानी तुम जहाँ से भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए फ्री है, तुम हमें दिखा दो तुम्हारे पास कितना ज्यादा पावर है। वेल इसके बाद ऐसे सिलेक्ट कर लेता है एक डायरेक्शन को, जहाँ पर इसको देखकर प्रोफेसर होता है वो अंदर से हंसता है और उसके साथ वो कह रहा होता है एल इसको हारने वाला है, यानी एल ने जो भी शायद चुना है बहुत ज्यादा बेकार सा है, यानी इधर से जो माना है वो अंदर नहीं जा सकता या फिर बहुत सारा माना के इधर जरूरत होगा, जो कि एल के लिए ही इम्पॉसिबल जैसा है, यानी एल बहुत ज्यादा बुरा करने वाला है। वेल इसके बाद एल रेडी हो जाता है अपना माना अंदर डालने के लिए और उसके बाद वो अपना माना का यूज करने लग जाता है, जहाँ पर जो उसका प्रोसेस होता है ये बहुत अलग सा था। खैर इसके साथ ही दिखा चला है एल का फ्लेम होता है, इसका रंग ही कुछ और सा होता है, यानी गाइस जो फ्लेम होता है ये कुछ और सा होता है, यानी किसी और रंग का होता है, जहाँ पर इसको देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। साथ ही प्रोफेसर कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, यानी एल ने पहले ही गलती वाले साइड को चुना था और उसके कारण से एल का जो फ्लेम है ज़रा कैसे हो सकता है, ये बहुत अलग सी बात है। सर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, साथ ही जो एल का माना होता है वो बढ़ते ही जा रहा होता है, जो रंग होता है वो ब्राइट होता जा रहा था। ऐसे एल कर रहा होता है और इसी बीच फॉर्मिल एल के पास आती है और वो कहती है मैं जानती हूँ तुम ये सब कर सकते हो, यानी तुम्हारे पास ये एबिलिटी है। अगर कहा जाए तो ये एल के लिए बहुत सारे इजी था। एल खुद ही कहता है वो फॉर्मिल के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट बनाता है और उसके कारण जो उसका माना है वो हमेशा एक्सचेंज होता रहता है। अगर देखा जाए फॉर्मल के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा कम है। वेल इसके बाद वो ऐसे अपना काम कर रहा होता है, कहते हैं हाँ एल तुम पीछे मत हटना, यानी तुम्हें आगे ही जाना होगा। और ऐसे ही एल अपना सारा माना लगा देता है, यानी सारा तो नहीं होता लेकिन एल ऐसे दे रहा होता है। और इसके बाद क्रिस्टल होता है वो धीरे धीरे क्रैक होने लग जाता है, जहाँ पर एल सोच ही नहीं पाता लेकिन इसके अंदर इतना सारा माना आ जाता है और इसके कारण से ये क्रैक होकर चीतरे हो जाता है। और इसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तुम लोग एक एग्जांपल ले लो अगर टॉपर को जीरो आ जाए तो इसके बाद उन लोगों का रिएक्शन होगा वैसे उन लोगों का रिएक्शन होता है, यानी वो लोग सोच ही रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। इसको देखकर खुद ही सदमे में आ जाता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो देखते प्रोफेसर को, जहाँ पर प्रोफेसर बहुत ज्यादा मूड पे होते हैं और उसको देखने के बाद ही वो कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत ज्यादा डर चुका था। एल सोचता है क्या वो फेल होने वाला है, यानी रिवॉर्ड में हाँ एल को फेल ही मिलने वाला था। बस इसके साथ ही ऐसे सॉरी कह रहा होता है, यानी मुझे माफ कर दीजिए मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। और ऐसे वो कह रहा होता है जो प्रोफेसर और सेक्रेटरी होते हैं वो अभी देख रहे होते हैं उसी क्रिस्टल को, साथ ही वो लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं ये कैसे टूट सकता है, चीटर कैसे हो सकता है, यानी ये बस एक प्रॉन्स का एग्जाम था, इधर कोई ऐसा बंदा आएगा उन लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसे वो लोग सोच रहे होते हैं और इसके बाद एल कहता है तो क्या इसका मतलब ये है फेल हो चुका है। और उसके बाद जो प्रोफेसर होता है वो एल का बात सुनता है और उसके बारे में कहता है ऐसा बात नहीं है तुम पास हो चुके हो लेकिन अभी मैं यही सोच रहा हूँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सुनते ही जो सेक्रेटरी होती है वो कहने लग जाती है हाँ आप ऐसा बोल रहे हो लेकिन इसके बाद क्रिस्टल को लेने के लिए वो लोग आएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या आंसर देंगे। और उसके बाद क्रिस्टल कहता है हाँ जो ये बंदा है यानी एल ने ये कांड बहुत ज्यादा बुरा किया लेकिन इसके बाद भी हाँ एल के पास बहुत ज्यादा पावर है, इसके कारण एल ने इस टास्क को कम्प्लीट कर लिया है। जहाँ पर इसको सुनकर एल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एल बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद एल अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और उन लोगों के जाने के बाद ही सेक्रेटरी और प्रोफेसर एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर भी कह रहा होता है एक बंदा जो ब्रॉन्ज का एग्जाम देने के लिए आया है ऐसे इसको तोड़ सकता है, साथ ही एल ने जो शायद चुना था ये भी बहुत ज्यादा अलग सा था और ये कोई उस वाला बंदा काम नहीं कर सकता, यानी ये कोई प्लेटिनम का बंदा ही कर सकता है, इसको फाइंड कर सकता है। एक बार वो अपना सिगरेट जलाता है और वो उसको करता है, साथ ही वो एक डेविल सा स्माइल करता है, जहाँ पर इसको देखकर असिस्टेंट कहते हैं बैस अब वो क्या हुआ। और उसके बाद प्रोफेसर कहता है तो उसको इतने से छोटे छोटे मेज के साथ काम करके अच्छा लगता है, इनमें कुछ तो अलग है। वेल इसके बारे में दिखा जाए एल और उसके दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही अपना लंच कर रहे होते हैं, साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे क्योंकि उन लोगों ने अपने टास्क में बहुत ज्यादा अच्छा किया था। साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं एग्जाम के बारे में, यानी गाइस वो तो एक प्रैक्टिकल था और उसके बाद उन लोगों का एक रिटन एग्जाम आने वाला है और उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे होते हैं,
लोग ऐसे बात करते हैं, साथ ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं, यानी आगे जो आने वाला एग्जाम है या फिर रिटर्न एग्जाम है इसमें वो लोग बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, उन लोगों का रैंक आगे तक जाए। वैल इसके बाद वो लोग ऐसे ही प्रॉमिस कर लेते हैं। वैल इसके बारे में दिखाया जा रहा है अलग से सीन में जहाँ पर कांड हो रहा था, यानी एल और हरमिल एक साथ ही होते हैं और हाँ इधर जो माना का कांड होता है जो कि तुम लोगों को एपिसोड बाय एपिसोड देखने को मिल ही रहा है वो होता है, और इधर वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कड़े होते हैं। साथ ही एल कहता है एल का रिटर्न एग्जाम आने वाला है और उसके कारण वो ऐसे ये सब नहीं कर सकता है, यानी इसमें बिजी नहीं रह सकता। और उसके बाद ही कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वैसे मैं भी इतने ज्यादा बिजी नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद वो लोग फिर से वही कांड करते हैं क्योंकि माना इम्पोर्टेंट है और यार तुम लोग कह सकते हो जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। वैल इसके बाद एक जगह में आ रहे होते हैं बात करते हुए और इसी बीच वो लोग देखते हैं उसी स्टूडेंट को जिसके पास वो 14 ड्रैगन था और इसके पास पावर भी अलग ही लेवल का है। वैल इसके बाद बंदा एल के पास से ही चला जाता है। इसके बाद एल और फर्मिल बातें करते हैं और इसके बाद सीन आ जाते हैं बाथरूम में। सीन आने से पहले यानी फर्मिल कहती है एल को फिर से वो चाहिए, यानी फिर से वो चाहिए, और उसके बाद एल कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, ये पब्लिक है उसके कारण वो ये सब नहीं कर सकता है। वैल इसके बाद बहुत ज्यादा फोर्स करती है, यानी फर्मिल एल के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और उसके बाद सीन आ जाते हैं में जहाँ पर जो है बंदा होता है, यानी गाइस जो अलग स्कूल वाला बंदा होता है वो अपना काम कर रहा होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, बिलीव नहीं कर पा रहा होता है इस अकेडमी का स्टूडेंट उससे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, यानी साथ ही वो बातें कर रहा था उस बंदे के बारे में एल के बारे में और उसके पास इतना सारा पावर कैसे हो सकता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है। ऐसे वो अपना काम करके चला ही जाता है, लेकिन इसी बीच वो एक बंदे से टकराता है और उसके बाद वो आगे देखता है यहाँ पर ये वही मास्टरमाइंड था यानी लोलिते था, वो उसको नहीं पहचानता और उसके बाद वो कहता है क्या तुम आगे नहीं देख सकते हो, बारे लोलिते कहता है कोई बात नहीं है और उसके बाद वो बंदा इधर से जाने लग जाता है, लेकिन मास्टरमाइंड उसे रोक देता है जहाँ पर जो एक बंदा होता है वो सॉल्व हो जाता है, जो उसका मुंह का रिएक्शन होता है ये बहुत अजीब सा होता है और इसके बाद वो नीचे देखता है जहाँ पर उसके बॉडी से बहुत सारा खून बाहर आने लग जाता है और उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। लोलिते ने बहुत ज्यादा इजीली उसको मार दिया था। खैर इसके बाद लोलिते बॉडी से जो उसका माना का कार्ड होता है वो ले लेता है और वो कहता है इसे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। और इससे तुम लोग कह सकते हो ये किसी अलग ही लेवल का साइको है। आज रेस्टोरेंट काउंसिल में जहाँ पर सेंट और जेसिका एक साथ ही अपना अटैक करे होता है, यानी ऐसे स्किल का प्रैक्टिस करे होता है जहाँ पर अब भी प्रेजेंट बहुत इजीली जेसिका को हरा देती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हारे पास इतना ज्यादा भी पावर नहीं है, यानी तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। जेसिका कहती है हाँ उसको प्रैक्टिस करना होगा और बहुत टाइम है, यानी प्रेजेंट तक आने में जेसिका को बहुत टाइम लगने वाला है। और ऐसे वो लोग बातें करते हैं हंसते हैं और उसके बाद वो लोग नहाते हैं, जहाँ पर नहाते हुए वो लोग बातें कर रहे होते हैं एल के बारे में, यानी जेसिका कहती है उसको अभी बिलीव नहीं हो रहा ऐसे एक डेमन को अपने साथ ही बना सकता है। और उसके बाद जेसिका पुराने दिनों के बारे में कहने लग जाते हैं, जेसिका अपने पुराने दिनों के बारे में कहने लग जाती है, वो कहती है अपने बचपन में डेमन से बहुत ज्यादा डरा करती थी क्योंकि डेमन बहुत ज्यादा भयंकर होता है, डेमन और ह्यूमन एक साथ कैसे आ सकते हैं मैं नहीं जानती हूँ। और उसके बाद प्रेजेंट कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता असली बात क्या है, जेसिका कहती है वो नहीं जानते असली बात क्या है। और उसके बाद प्रेजेंट कहने लग जाती है क्योंकि एल फर्मिल को पसंद करता है और उसके कारण वो उसको अपने साथ ही रखना चाहता है, यानी अपना हार्ट भी दे दिया है। तुम कह सकते हो वो फर्मिल को पसंद करता है, पर इसके जेसिका बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, वो कहती है एक डेमन और एक ह्यूमन एक साथ कैसे प्यार में आ सकता है। इसके बाद प्रेजेंट कहती है हाँ तुमने सही कहा, एक ह्यूमन एक मास्टर और एक फर्मिलर कैसे एक साथ ही आ सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, लोग यही सोचते हैं, लेकिन इसको कहा जा रहा है मेडिकल, मेडिकल असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ये कुछ और ही है। वैल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखा चला है एग्जाम का टाइम आ चुका था जहाँ पर एल फर्मिल के साथ आ जाता है उसी हॉल में जहाँ पर एल का थोड़ा देर भी हो चुका था और उसके कारण एल बहुत ज्यादा बिजी होता है। इसके बाद एल फर्मिल के आगे आ जाता है और उसके बाद एल कहता है फर्मिल तुम्हें इधर ही रहना होगा, यानी इसके अंदर अपने फर्मिलर को नहीं ले जा सकते, उसके कारण तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो और इसलिए तुम थोड़ा टाइम वेस्ट करना, यानी ऐसे थोड़ा टाइम पास कर लो। कहते ठीक है कोई बात नहीं है वो टाइम पास कर लेगी। वेल इसके बाद एल अपने जगह में आ जाता है, वो अपने सीट नंबर देखता है और अपने जगह में बैठ जाता है, साथ ही वो देखता है उसके पास वाला जो बंदा होता है वो अब तक नहीं आया था, टाइम भी चला गया था और जल्दी जो रिटर्न एग्जाम है वो होने वाले थे, इस कारण एल सोच रहा होता है ना चले कौन वाला बंदा होगा नहीं आया है। और उसके बारे में देखते हैं उसके पैर को, यानी कोई बंदा इधर आ चुका था। उसके बारे में वो एल के पास से बैठ जाता है और गाइस ये होता है शॉकिंगली, हाँ गाइस ये लोलिते होता है, तो देखकर ही एल कहता है हाँ तुम टाइम में आ चुके हो। और उसके बाद लोलिते कहता है हाँ वैसे गुड लक एग्जाम के लिए, और वो हंसता है, ना जाने लोलिते क्या करने वाला है। और उसके साथ ही एल के पास फॉर्मल भी नहीं है, आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता क्योंकि हाँ प्रेजेंट भी कह चुकी है रिटर्न एग्जाम है वो अच्छे तरीके से चले जाए, लेकिन क्या सच ही नहीं होने वाला, बाकी हम लोग जानेंगे इसके बार वाले एपिसोड में। तब तक के लिए वेट करो, आज के लिए इतना ही, जय हिंद सायोनारा गुड बाय, देखने के लिए थैंक यू, या कमेंट कर देना, और यही बात था, यानी हाँ बहुत सारा बातें हो गया और मिलते हैं बाय।